जांच शायद बंद ना हो, पर एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंस होता है। और ये बात तो बीजेपी के बारे में बिल्कुल मशहूर है कि जो लोग, चाहे वो टीएमसी के लोग हैं, चाहे कुछ जो भी बीजेपी जिनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, जो भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं वो केसेस फिर बंद हो जाते हैं या बैक सीट ले लेते हैं। और इसलिए, और वैसे भी आप जिस पार्टी के साथ हैं या जिस पार्टी की मानसिकता को आप फॉलो कर रहे हैं, एक सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड हो जाता है। जो केसेस है उसमें कोई सबूत ही नहीं है। अब आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? मेरा पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ इतना है कि मुसलमानों की ताकत को हिंदुस्तान में कम करना है, क्योंकि हर मस्जिद में, हर मदरसे में आईएसआईएस की ट्रेनिंग हो रही है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, और आप शायद समझना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि आप लोग सेकुलर लोग हैं, और सेकुलर जो है वो सबसे बड़ा जहर है आप लोगों के लिए। अगर एक बकरी भेड़िए को ये समझ लेगी कि ये भी बकरी है, तो बकरी ही जो है वो नुकसान में आएगी। रिजवी जी, आप बिल्कुल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आपको ये बीजेपी की भाषा लग रही है, लेकिन मैं राजनीति में बोल रहा हूं, और अगर बीजेपी वाला कोई ऐसा बोलता है तो वो माननीय है, सम्माननीय है, क्योंकि ये राजहित की भाषा है और ये सनातनियों के हित की भाषा है। और दूसरी चीज क्या है, एक बात आपको और वादे कर दूं कि चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे युवा हिंदू वाहिनी हो, ठीक है, हिंदू महासभा हो, जितने भी सनातन ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं आज के दौर में, वो कम से कम हिंदुओं के विकास के लिए तो काम कर रही है। वो आतंकी जो सोच है उसके तहत नहीं काम कर रही है। वो कहीं ना कहीं, आप उनको कहें कि आप हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही हैं, क्यों, अपने धर्म को बढ़ावा देना क्या बुरी बात है? आपने कहा आपने कुरान को बहुत पढ़ा, आपने कहा आपने बहुत सारी फिर किताबें पढ़ी टू अंडरस्टैंड इस्लाम, आपने सनातन धर्म को कितना पढ़ा है? मैंने आपसे पहले कहा कि अभी मैं सनातन धर्म में आया हूं, आप एक महीने बाद मुझसे बात करेंगी तो मैं आपको सनातन धर्म के बारे में मोटा मोटा तो मैं जान चुका हूं कि सनातन धर्म इंसानियत का मतलब। रिजवी जी, आपको 48 ईयर्स लगे इस्लाम समझने के लिए, और सनातन धर्म जिसको आपने पढ़ा भी नहीं, आपने उसके उसको समझ भी लिया और कन्वर्ट भी हो गए उसमें। आप ये क्यों मानना चाहती कि मैंने सनातन धर्म को नहीं समझा? सनातन धर्म, देखिए, सनातन धर्म को समझने के लिए सिर्फ दो अल्फाज सीखने होंगे। एक अल्फाज ये कि वो धर्म होता है जिसमें मोहब्बत हो, वो धर्म होता है जो इंसानियत की बात करे, ये है धर्म की परिभाषा। पर आपने अभी तो उसको गहराई से पढ़ा ही नहीं, आपने खुद कहा 1 महीने बाद। हम आपके चेहरे से पहचान रहे कि सनातन धर्म कैसा, तभी तो आप इतनी सेकुलर है। आप मानने को तैयार नहीं कि कोई आपका गला काटने के लिए बैठा है। आप कह रही हैं कि साहब वो तो बड़े अच्छे, आप वो ठीक है, हमारे भाई हैं, हमको तो सेकुलर रहना चाहिए। आप मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि आप सनातनी है, और यही चीज हम मुसलमानों को समझाना चाहते कि तुम अल्लाह को मानो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिफॉर्म अपने अंदर लाने की जरूरत है, तुमको बदलने की जरूरत है। तो रिजवी जी, ये बताइए कि ये फिर क्या ठीक नहीं था, दैट यू शुड हैव स्टेड विथ इन योर कम्युनिटी एंड रिलीजन एंड करेक्टेड योर ओन पीपल रादर देन स्टेपिंग आउट एंड हिटिंग आउट एट देम? आप वही इस्लाम में रहते और जो लाइक माइंडेड मुस्लिम्स हैं उनको आप ठीक रास्ता दिखाते, उनको आप जो पढ़ा है उसको करेक्टली समझाते, रादर देन कि आपने उनको छोड़ दिया। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि किसी एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम जुड़े रहते, क्योंकि हम वहां पैदा हुए। देखिए, जो आतंकी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, और जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, जो आज भी गोली चला रहे हैं या कश्मीर जैसे कांडों को उन्हीं ने किया है, तो वो लोग हैं जिनको मौका मिला। और जो मुसलमान कुरान को पढ़ रहा है, जो मुसलमान मोहम्मद को मान रहा है, वो मुसलमान वो है कि जिसको मौका नहीं मिला है। 2017 में जब योगी गवर्नमेंट ने राम स्टैचू प्रपोज किया अयोध्या में, यू हैड ऑफर्ड 10 सिल्वर एरोज, आपने 10 बाण देने की बात की थी वक्फ बोर्ड के बिहाफ पर, क्या ये ठीक है? वक्फ बोर्ड के बिहाफ पर नहीं, हमारे
दोस्त थे, जो लोग हमारे दोस्त थे उन्हीं ने कहा था कि हम इसमें आपकी मदद करेंगे और इस तरह का आप कदम उठाइए। क्योंकि देखिए भगवान श्री राम में हम पहले से आस्था रखते हैं, क्योंकि लड़ाई मेरी वहीं से शुरू हुई थी। हम सनातनियों को एक करेंगे, हिंदुत्व को एक करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हिंदू नौजवान लड़के किसी का कत्ल कर दे, लेकिन हिंदू नौजवान लड़कों में भी वही खून है जो मुसलमानों में है। तो अगर दोनों में वही खून है जो आपने कहा कि हिंदू में भी वही खून है और मुसलमानों में भी वही खून है, तो फर्क कहाँ है? फर्क तरबियत का है, फर्क मानने के तरीके का है, फर्क विचारधारा का है। आपने 2018 में इन 2018 यू रोट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम टू शट डाउन मदरसास, दे ब्रीड टेररिस्ट्स, आपने कहा था। इसका बेसिस और लॉजिक क्या है? अगर अभी भी इस पर विचार नहीं किया गया तो 20 साल के बाद और 15 साल के बाद यही इन्हीं मदरसों से इनकलाब आएगा, इन्हीं मदरसों से जिहाद फैलेगा, मुस्लिम इनकलाब आएगा और आपको एक टुकड़ा और देना पड़ेगा। और हमने बात उनसे की थी स्कूलिंग को कंपलसरी करना। हमने ये कहा था कि ठीक है आप मदरसों को बंद नहीं कर रहे हैं, आप ना करो, आप प्राइमरी मदरसों को बंद करने की मैंने बात कही थी। जो मैंने चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा था प्राइमरी मदरसों को बंद करो, उनको जो पैसा दिया जा रहा है, जो ऐड दी जा रही है वो बंद कीजिए। 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में बढ़ गए, स्कूल क्यों नहीं बढ़ाए? मुसलमानों में ये कौन सा मुल्लाओं में ये ट्रेंड है कि हम मदरसा खोलेंगे, स्कूल क्यों नहीं खोलेंगे? मदरसों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। ISIS, हर मदरसे के अंदर ISIS की विचारधारा पढ़ाई जा रही है। मदरसों के ऊपर मैंने ये बात कही थी प्राइमरी मदरसों को बंद कर दो, जो बड़े मदरसे हैं आप उनको टेक्नोलॉजी दो, आप उनका विकास करो, उनको फंड दो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जो बच्चे, जो छोटे बच्चे को मदरसों में डालकर उनके दिमागों को कट्टर बनाया जा रहा है, क्योंकि मदरसों की पढ़ाई बेसिक पढ़ाई कुरान है। जब मदरसे के अंदर बच्चा जाता है तो पहले पारे से उसकी शुरुआत होती है। अब कुरान मदरसों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, अब कुरान मदरसों में समझाया जा रहा है। और जो समझ रहे हैं वो जहनी, वो ठीक है हर बच्चा बंदूक नहीं उठा लेता, लेकिन जहनी कट्टर होते चले जा रहे हैं, जहनी तासुब की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वक्त पड़ी तो बंदूक भी उठाएंगे। यही मैंने कहा था कि स्कूलिंग होनी चाहिए, स्कूल में बच्चा हर मजहब के बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ेगा। कि हाई स्कूल करने के बाद मदरसों के अंदर आप प्रवेश दीजिए, तो हाई स्कूल करने बाद अगर वो व्यक्ति मदरसों के अंदर पढ़ने जाता है, दीन की तालीम हासिल करने जाता है, तो वो इतना कट्टर और आपके खून का प्यासा नहीं हो सकता जिसका बचपन में दोस्ती हिंदुओं से और सिखों से, ईसाइयों से और किसी धर्म वालों से नहीं हो। वो इतना कट्टर नहीं हो पाएगा जितना आज के दौर का मुसलमान कट्टर है। You know, Mr. Rizvi, I will not let you degrade the prophet on my show. So let's talk logic. तथ्यों की बात करते हैं. In your book, you have made remarks, adverse remarks against the prophet. A complaint has been filed against you for this. It's okay to disagree with a religion, but how correct is it to insult the prophet? आप प्रॉफिट उसको मान रही हैं, ये इंसल्ट कर रही हैं, आप हमारी तौहीन कर रही हैं, हमारी सोच की तौहीन कर रही हैं, आप उसको प्रॉफिट कैसे मान रही हैं? आपने कहा है दैट यू वांट टू बी क्रीमेटेड रादर देन बीइंग बेरिड, इज दिस मोर अ रिलीजियस सेंटिमेंट और अ फियर कि आपको कब्रिस्तान में मुसलमान अब जगह नहीं देंगे, इसलिए आप कह रहे हैं मुझे क्रीमेट किया जाए? मैंने जो कब्र ले रखी थी अपने वालिद के पास, जब मैंने बहुत पहले वो कब्र ली थी 10-12 साल पहले, तो उस कब्र को भी तोड़ दिया गया, कहा भाई अब मुसलमानों के कब्रिस्तान में इनको जगह नहीं दी जाएगी। और अगर के तुम कब्रिस्तानों में जगह नहीं दोगे, या तो हम सिलेंडर कर जाते कि भाई ठीक है हम अपने विचार बदल लें, भाई ऐसा मेरे साथ में मत करो, तो हम सिलेंडर हमने नहीं किया। हमने कहा ठीक है अगर आप कब्रिस्तानों में जगह नहीं देते हो तो मरने के बाद मेरी डेड बॉडी सड़कों पर सड़े, या उसको कोई लेने वाला ना हो, या उसको लेकर कोई फसाद हो। तो मैंने उस पर यह कहा कि भाई ठीक है अंतिम संस्कार होना ही होना है, दफना कर किया जाए, चिता बना के किया जाए। रिजवी जी, मुझे दो बातों पे ये लग रहा है कि ये विलिंगनेस कम है, क्योंकि आपने ये भी कहा कि मुझे निकाला गया और मैं कन्वर्ट हो गया, अब आप कह रहे हैं क्योंकि मुझे कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी तो ठीक है आप मुझे क्रिमेट कर दीजिए, तो ये
ज्यादा इसलिए मजबूरी दिख रही है मुझे, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग वॉट आई शुड, आई विल टेक वॉट इज अवेलेबल, क्योंकि जो मुझे मिलना चाहिए या जो मेरा हक है, चाहे वो कब्रिस्तान में जगह हो, वो अगर मुझे नहीं मिल रहा तो ठीक है, मैं फिर समझौता कर लेता हूं। आप इसको इस पहलू से क्यों सोच रही हैं? अगर मुझे समझौता ही करना होता तो भाई उन मुल्लों से ही समझौता कर लिया होता। 12 साल 15 साल पहले मैंने कब्र ली थी तो यही सोच करी थी कि मरेंगे तो यहां दफन होंगे। अब जब मरना तय है, सबका मरना तय है, तो ये भी तय करना होगा कि मरने के बाद मेरा क्या किया जाए। तो इसमें मैं उनकी किसी भी, जो उनके मेरे ऊपर तंग उन्हीं ने जेंजियस से मेरे ऊपर हमले किए कि हम टूट जाए, तो हम उस पर टूटे नहीं और उसका मैं रास्ता निकालता चला गया। अब आप कह रही हैं कि आपने इसको रास्ता निकाल लिया, आप कन्वर्ट हो गए हिंदू में, तो आपने कहा कि भाई मैं तो मजबूरन हो गया ना। तुम्हारी शक्ल को देखकर, तुमको पढ़कर, हम 4.5 साल पहले ही तुमसे नफरत कर चुके थे। आपको नहीं लगता कि आप एक तरह से कहीं के नहीं रहे? व्हेन इट कम्स टू बेरियल द मुस्लिम्स वुड नॉट वांट इट, व्हेन इट कम्स टू क्रिमेशन द हिंदूज में से ही इज नॉट अ हिंदू। ये तो देखिए कोई अब सनातनी कह नहीं सकता, आप कह सकती होंगी क्योंकि आप हमको सेकुलर ज्यादा लगती हैं। कोई सनातनी मुझको ये नहीं कह सकता, मुझको सब इज्जत के साथ से सबने स्वीकार किया। Mr. Rizvi, you carry a reward on your head, and that is not by the police, but by the Muslims. 11 lakh rupees for someone who will murder you. 11 लाख का इनाम तो सिर्फ इस बात का रखा था कि जो जूता खींच कर वसीम रिजवी के मुंह पर मार दे उसको 11 लाख का। वो भागा हुआ है, उसको उसको पुलिस ढूंढ रही, तो 11 लाख तो सिर्फ जूता मारने की रकम थी। बाकी 50 लाख रुपया एक ने रखा, एक ने 11 लाख रुपए के साथ में हज का पैकेज दिया कि साहब हज भी फ्री होगी, तो पैकेज भी बट रहे हैं। सैयद वसीम रिजवी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।